नमस्कार, संसार ग्रीन की अनूठी दुनिया में आपका स्वागत है। आमतौर पर जब हम आप कैक्टस की बात करते हैं तो जहन में कांटेदार झाड़ियां आती हैं, मगर हम आज की वीडियो में इसका दूसरा पहलू दिखाने की कोशिश करेंगे। कैक्टस की एक खूबसूरत दुनिया भी है। वीडियो देखते देखते शायद आपके विचार बदल जाएं और आप भी कैक्टस पसंद करने लगें। हमारे नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आगे बढ़ें। मैमिलेरिया कैक्टस परिवार की यह सबसे बड़ी प्रजाति है। इन्हें पावर पफ, निप्पल कैक्टस या ग्लोब कैक्टस भी कहा जाता है। कांटों से घिरे होने के बावजूद यह बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। इनकी खूबसूरती को और ज्यादा उभारते हैं इनमें खिलने वाले चमकदार गुलाबी, सफेद या पीले रंग के फूल। इन पौधों का आकार आमतौर पर 3 से 5 इंच का ही होता है। गर्मियों में इनमें खूब सारे फूल आते हैं। इन्हें वेल ड्रेन सॉयल में ही लगाना चाहिए। सक्यूलेंट्स या कैक्टस के लिए जो बलुई या रेत वाली पॉटिंग मिक्स आती है, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादा पानी मत दीजिए। मैच्योर प्लांट से खुद ही छोटे छोटे पौधे उभर आते हैं। इन्हीं पौधों से इनकी प्रोपगेशन की जाती है। पॉन्टिएक बेसिलारिस या बीवरटेल कैक्टस। कैक्टस के गुलाबी फूलों वाली यह किस्म है। इनके कांटेदार गद्देदार पैड्स होते हैं जो हरे या फिर हल्के भूरे रंग के होते हैं। गर्मियों में इन पर पीला गुलाबी फूल खिलता है जो बेहद खूबसूरत दिखता है। आमतौर से इनमें कोई बीमारी नहीं लगती है, तो ये काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट हैं और फूल तो इनमें ढेरों खिलते ही हैं। आपके ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छे हैं। ज़्यादा पानी की इन्हें भी ज़रूरत नहीं है, वेडरन पॉट में ही लगाइए। हफ्ते में एक बार पानी देना काफ़ी होता है। इनकी प्रोपगेशन सीड से भी होती है और रूट से निकलने वाले छोटे पप्स से भी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक इडिबल प्लांट्स हैं। चौंक गए ना, संसार ग्रीन चौंकाता है। मून कैक्टस या चांदनी नागफनी। इनका वैज्ञानिक नाम जिम्नो कैलेसियम है। ये फूलों वाले भी होते हैं और बिना फूलों के भी, मगर बिना फूलों के भी ये काफ़ी आकर्षक दिखते हैं। नर्सरी में इनके ऊपर लाल, पीले, गुलाबी रंग के कैक्टस ग्राफ्ट किए जाते हैं जो ज़्यादा ही आकर्षक दिखते हैं। आप चाहें तो कोई भी किस्म लगा लीजिए। आकार में ये ज़्यादा बड़े नहीं होते। आप अगर अक्सर घर के बाहर होते हैं तो ये आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि कई दिन तक ये बिना पानी के ज़िंदा रह सकते हैं। धूप भी इन्हें ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, इंडोर रह जाता है। इन्हें हमेशा ही सक्यूलेंट्स वाली पॉटिंग मिक्स में बीज से उगाया जाता है, मगर दोहरे रंग के कैक्टस का कोई सीड नहीं होता है, वह हर बार ग्राफ्ट करना होता है। इचिने केरेसस को एरिजोना रेनबो कैक्टस भी कहा जाता है। आप नाम से धोखा मत खाइएगा। ये विदेशी हैं पर पूरे भारत में लगते हैं। देखने में बेहद खूबसूरत और गुलाबी फूलों वाले होते हैं। सिर्फ इनके फूल ही नहीं बल्कि न्यू स्पाइंस भी पिंकिश यानी गुलाबी से दिखते हैं जो बेहद आकर्षक होते हैं। रेनबो कैक्टस आकार में मध्यम यानी कि 20 से 40 सेंटीमीटर तक के हो सकते हैं। इन्हें ग्रो करने के लिए खूब सारी खुली धूप चाहिए। एक्सेलेंट हीट टॉलरेंट प्लांट हैं और ये आप आउटडोर ही रखें, इनडोर नहीं रख सकते। इनकी ग्रोथ स्लो होती है पर इन्हें ग्रो करना आसान है। मैच्योर प्लांट के साइड से पप्स निकलते रहते हैं, जिन्हें सेपरेट कर दिया जाए तो नया पौधा खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसकी जड़ें तुरंत सड़ जाती हैं, इसलिए ओवर वाटरिंग से बचिए। पॉट को हमेशा वेल ड्रेन रखिए और सैंडी सॉइल ही यूज़ कीजिए। सीरियस टेट्रागोनस। इन्हें नाइट ब्लूमिंग सीरियस के नाम से भी जाना जाता है। ये बार्ब्ड वायर कैक्टस भी कहलाते हैं। आकार में ये काफ़ी बड़े 2 से 7 मीटर तक के हो सकते हैं और गार्डन की लाइफ फेंसिंग के काम आते हैं। इनमें खूबसूरत फूल भी खिलते हैं जो कि अक्सर रात के वक्त खिलते हैं। इनके फूल भी बहुत बड़े आकार के 15 से 20 सेंटीमीटर तक के होते हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इनके यंग स्टेम्स कच्चे भी और पका कर भी खाए जाते हैं और इनके फल तो काफ़ी मीठे, स्वादिष्ट, रसेदार होते हैं।
इन्हें बीजों से आप आसानी से उगा सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही इनका पौधा मौजूद है तो जड़ों में हर साल सैकड़ों नए पौधे खुद ही उग जाया करते हैं। इन्हें सीधे मिट्टी में लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। रेट्यूसा या हवर्थिया, इस कैक्टस की तकरीबन 400 किस्में होती हैं और इनकी गिनती सक्यूलेंट्स में होती है। ये ट्रांसल्यूसेंट यानी कि पारभासी होते हैं और आकार में काफ़ी छोटे, तकरीबन 10 सेंटीमीटर आकार के होते हैं। टेबल टॉप सजाना हो या फिर वर्टिकल वॉल, ये बेहतरीन ऑप्शंस देते हैं। किस्में तो इनकी इतनी सारी हैं कि हम अलग से इनके लिए एक वीडियो बना दें, उस पर इनमें फूल भी आते हैं। तभी तो इन्हें बीज से या फिर सकर से, दोनों ही से लगा सकते हैं। हवर्थिया या रेट्यूसा इंडोर प्लांट्स हैं। सुबह की हल्की धूप इनके लिए काफ़ी होती है। वेल्डन पॉट इनके लिए ज़रूरी है। हाँ, इनकी सॉइल में कंपोस्ट भी मिलाई जाती है और चारकोल भी मिलाई जाती है। आमतौर से कैक्टस की सॉइल में ये चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईस्टर कैक्टस, इनका वैज्ञानिक नाम हैटियोरा है। ये बहुत खूबसूरत फूलों वाले कैक्टस हैं और इनमें ढेर सारे फूल आते हैं। ये कैक्टस तो हैं मगर इन्हें ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए होती है। ये इंडोर प्लांट्स हैं और भारत में हिली एरिया में या ठंडी जगहों पर ये ज़्यादा अच्छे से होते हैं। फूलों का रंग गुलाबी, लाल, सफ़ेद या नारंगी भी होता है। इस कैक्टस को थोड़ा ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। इन्हें वेल ड्रेन पॉट में हमेशा लगाइए। इनके लिए हमेशा कैक्टस या सकुलेंट्स वाली पॉटिंग मिक्स ही यूज़ कीजिए। हैवी सॉइल या ज़्यादा वाटरिंग से इनके जड़ तुरंत ख़राब हो जाते हैं। इनकी प्रोपगेशन कटिंग से होती है। ड्वार्फ चिन, इस कैक्टस का बोटैनिकल नाम जिम्नोकैलिसियम है। ये छोटे आकार के कैक्टस होते हैं जो तकरीबन 3 से 6 इंच तक के हो सकते हैं। इनमें लाल, गुलाबी, बैंगनी रंग के चमकदार से फूल भी आते हैं जो इनकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं। यह भी खूबसूरत हाउस प्लांट या इंडोर प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। खिड़की दरवाजे से छन कर आ रही हल्की धूप ही इनके लिए काफ़ी होती है। ज़्यादा पानी की इन्हें ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 दिन में हल्की वाटरिंग कीजिए, उतना ही पर्याप्त है। प्रोपगेशन की बात अगर की जाए तो यह बीज से लगते हैं और जड़ों से निकल आए नए पप्स से भी। पप्स सिर्फ इनकी जड़ों से नहीं आते, मेन प्लांट्स पर भी पप्स आते हैं। उनकी भी अगर कटिंग करके मिट्टी में लगा दी जाए तो नया पौधा आसानी से तैयार हो जाता है। पर मिट्टी हमेशा कैक्टस वाली ही इस्तेमाल करें। वह वेल्ड्रेन होती है और रेतीली होती है, हल्की मिट्टी होती है। हम इसी तरह और भी मज़ेदार वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग संसार ग्रीन।